दोनों ब्रेस्ट के बीच में पीनस को रगड़ के सेक्स करना, वहां पे पीनस को रब करना दोनों बूब्स के बीच में और एंजॉय करना, इसे क्लिविस सेक्स कहते हैं। ये एक तरह की सेक्सुअल फैंटेसी होती है, जैसे और अलग अलग तरह की फैंटेसी होती है लोगों की। जैसे किसी को अंडर आर्म्स को लिक करना अच्छा लगता है, तो किसी को पैर के अंगूठे को चूसना अच्छा लगता है, किसी को हेयर फैंटेसी होती है, वो बालों को देख के अराउज होता है लंबे घने बालों को देखकर। सेम इसी तरह से दोनों ब्रेस्ट के बीच में पीनस को रगड़ के सेक्स करना, ये भी किसी की फैंटेसी हो सकती है और लोग इसे इंजॉय करते हैं। अभी डिपेंड करता है कि यह सच में किसी की फैंटेसी है या फिर किसी ने अपने दोस्त के मुंह से सुन लिया, ऑनलाइन चीजों को कुछ करते हुए देख लिया और मन में विचार आया कि यार मुझे भी ऐसा कुछ करना है। तो ये डिपेंड करता है कि उसके मन में जो विचार आया है वो किस वजह से आया, नेचुरल फैंटेसी है या देखा देखी मन कर गया। जिन लोगों की रियल में फैंटेसी होती है उन्हें खासा मजा आता है इस एक्ट को करने में, वो इस क्लिविस सेक्स को बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं, ऑर्गेजम भी महसूस करते हैं, उन्हें काफी प्लेजर महसूस होता है और वो डिस्चार्ज भी ब्रेस्ट के बीच में ही करते हैं। और वो ऐसा इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि इस तरह के फैटिश लोग किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को लेकर कुछ ज्यादा ही खासा अट्रैक्शन महसूस करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो अदर बॉडी पार्ट के साथ इक्वली प्ले नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन वो उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की तरफ जिससे वो काफी अट्रैक्शन महसूस करते हैं उसे कुछ ज्यादा तवज्जो देंगे। और ऐसा भी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को लेकर जो अट्रैक्शन होता है, जो चाहत होती है, जो फैंटेसी होती है, ये सिर्फ एक मेल में ही पाई जाती है। नहीं, ये किसी महिला में भी देखने को मिलती है। कितनी ही फीमेल ऐसी होती है जिन्हें अगर वो सुडोल चेस्ट, एकदम उभरी हुई चेस्ट किसी आदमी की देख ले तो वो पागल हो जाती है। शर्ट के चार बटन ऊपर के खुले में किसी पुरुष के और वो चौड़ा सीना ऐसे दिख रहा है, शोल्डर तने हुए नजर आ रहे हैं, तो होती है वो भी फैंटेसाइज करती है चीजों को। वो भी जब सेक्स के दौरान जब देखती है तो उसका मन करता है कि हाँ मैं कुछ करूं इस चेस्ट के साथ, मैं कुछ करूं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि एक आदमी का पता लग जाता है, औरतों का पता लगता नहीं है। देखिए उनके अंदर भी फैंटेसी होती है। देखिए फैंटेसी सबकी होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, कोई खुलकर बोल देते हैं, कोई नहीं बोल पाते हैं, किसी की पूरी हो जाती है तो किसी की नहीं होती है। अगर आपको मौका मिलता है अपनी फैंटेसी को जीने का और आपका जो पार्टनर है वो उस लेवल पे है कि वो समझता है चीजों को, तो बिल्कुल इंजॉय कीजिए, आप वो मौका मत छोड़िए, वरना ये फैंटेसी नाम की चीज आपको जीने नहीं देगी, रह रह कर आपको परेशान करेगी। तो बेहतर यही है कि इन्हें खुलकर जी लिया जाए। आप भी बोलो कि जा जी लिया तुझे, अब दुखी मत कर, परेशान मत कर, और यकीन मानिए आपको परेशान नहीं करेगी क्योंकि आपने उसे जी लिया खुल के। फिर चाहे वो क्लिविस सेक्स हो, फीट फैटिश हो, या अंडर आर्म्स लिक करना, मतलब वट एवर जो भी फैंटेसी है, अपने पार्टनर से रजामंदी करके इसे जी लो। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, इंसान को जितना मिल जाए उतना कम। तो फैंटेसी की तो वैसे भी कोई लिमिट नहीं होती। अगर आपका पार्टनर आपकी हर फैंटेसी को पूरा करने की दम रखता है तो उसके ऊपर फिर हावी नहीं होना है कि अब तू ये भी कर, ये भी कर, ये भी कर, क्योंकि ऐसा तो आपकी जिंदगी हल हो जाएगी। तो भले ही फैंटेसी लिमिटलेस है, लेकिन खुद को लिमिट में रखना यह आपकी खुद की जिम्मेवारी है, ताकि आप दोनों के बीच का रिश्ता बना रहे, उसमें कड़वाहट पैदा ना हो। अगर आपका पार्टनर 100 में से 70% आपकी फैंटेसी पूरी कर पाने में समर्थ है, वो आपको पूरा सहयोग दे रहा है, तो फिर 30% तो आप भी सैक्रिफाइस कर ही सकते हो उन डिजायर को, उन चाहतों को जिसमें वो राजी नहीं है, वो कंफर्टेबल नहीं है। तभी तो आपका रिश्ता फलेगा फूलेगा, बॉन्ड मजबूत होगा, वरना ये फैंटेसी आपको खत्म कर देगी, आपका रिश्ता खा जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखिए। अदरवाइज कोई भी ऐसी चाहत, आपके डिजायर, आपकी सेक्सुअल फैंटेसी जो शेयर करके, अपनी बातों को रख के समझाया जा सकता है, उसे मनाया जा सकता है, तो बिल्कुल कीजिए। आपकी सेक्स लाइफ के एक्सपीरियंस को बढ़ाएगा, आपका मजा दुगना करेगा और आपके रिश्ते को मजबूत करेगा। सो डू इट।